So a very good evening, guys, and welcome back once again to the series of government schemes. In today's session, I will bring to you Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. So as you all know, Pradhan Mantri Ujjwala 2.0 was recently launched in this month only, in the month of August 2021. So definitely a question can come from this particular scheme. इस स्कीम में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए है नहीं, बहुत बेसिक स्कीम है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है और बहुत ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने को है नहीं, तो जितनी भी चीज़ें हैं जल्दी से पढ़ के ख़त्म करते हैं एंड फिर आगे चलते हैं। सो बट बिफोर वी बिगिन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन, एंड इफ यू वॉन्ट टू हैव द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन यू हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। So let's talk about the scheme जिसका नाम है प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, and this scheme is totally effortless। अगर आपने आज का session अच्छे से देख लिया तो आपको कभी भी दोबारा से इस scheme को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। If you watch this session properly, then there is no need to read this scheme once again। So first of all, let's try to simplify the objective। An objective, I hope almost all of you already know the objective of this particular scheme, but ये हो सकता है आप में से कुछ लोग नए होंगे जिनको नहीं पता होगा, उनके लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ओके, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री है और योजना तो योजना है, योजना मतलब स्कीम, उज्ज्वला एक वर्ड है जिसके थ्रू हम इसके ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वट इज द ऑब्जेक्टिव, वट इज द मीनिंग ऑफ उज्ज्वला? उज्ज्वला का मतलब कुछ भी हो सकता है, डार्जलिंग, ग्लोइंग, इल्यूमिनेटेड, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड्स हैं इनको कनेक्ट करने की कोशिश करो। इल्यूमिनेटेड वर्ड का इल्यूमिनेशन कैसे हो सकती है? फायर से हो सकती है, एंड ऑब्वियसली सरकार घरों में आग तो लगाएगी नहीं, क्योंकि नाउ घरों में जो आग होती है वो कहाँ होती है? वो होती है थ्रू द एलपीजी कनेक्शंस, थ्रू इन द स्टोव्स, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन एस्टैब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन द वर्ड उज्ज्वला एंड एलपीजी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, उज्ज्वला का मतलब क्या होता है? उज्ज्वला का मतलब होता है इल्यूमिनेटेड, dazzling, glowing, ठीक है। So these words are directly related to fire because fire illuminates, ठीक है। तो fire क्योंकि illuminate करता है environment को, और घरों के अंदर fire कहाँ पे हो सकती है? Stoves में, और stoves को जलाने के लिए हमें क्या चाहिए? LPG, alright। So under this particular scheme, government intends to distribute the LPG connections to the eligible households of the country. This is the objective of this scheme. Okay, I hope this objective is clear. सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? गवर्नमेंट इसके अंदर क्या कर रही है? एलपीजी कनेक्शन डिस्ट्रीब्यूट करती है टू द एलिजिबल हाउसहोल्ड्स, एंड ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री शुड बी द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, विच इज हेडेड बाय मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आई होप यू ऑल नो दिस। नाउ वट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ऑफकोर्स यू नीड नॉट रिमेंबर दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग की कौन कौन इसमें एलिजिबल है। वेन द स्कीम वॉज लॉन्च इन द ईयर 2016 गाइज, ओनली द बीपीएल हाउस होल्ड वर एलिजिबल, बट देन द एलिजिबिलिटी इन द ईयर 2018 वॉज एक्सटेंडेड टू ऑल दीज क्राइटेरिया, ऑल दीज कैटेगरी पीपल। एनी अडल्ट वुमन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, first of all you have to remember that the connections will be provided in the name of the woman, theek hai, jo agar wahan pe koi head of the family mein man hai, koi male member hai, to uske naam pe connection nahi hoga, the connection will be provided only in the name of a woman of the household, okay। any of the following category like sc or st household, pradhan mantri awas yojana, gramin beneficiary, most backward classes, annadata, antyodaya anna yojana beneficiary, टी एंड एक्स टी गार्डन ट्राइब्स, फॉरेस्ट ज्वेलर्स, पीपल रिजाइडिंग इन आईलैंड एंड रिवर आईलैंड, एससीसी हाउस होल्ड एंड पुअर हाउस होल्ड एज पर द 14-point डिक्लरेशन। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड एनी अडल्ट वुमेन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ दिस कैटेगरी कैन हैव द बेनिफिट अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। Also, the applicant must have attained the 18 years of age. Of course, 18 साल तो होना ही पड़ेगा, and there should not be any other LPG connection in that particular household. ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक household में दो women हैं और दो अलग अलग connections वो ले ले। This is not possible, of course. Now, what are the benefits which are being provided? So, remember, a cash assistance of ₹1600. ऑफ ₹1600 फॉर अ कनेक्शन ऑफ 14.2 केजी सिलेंडर, जो हमारा नॉर्मल सिलेंडर होता है, एंड इफ यू वांट टू हैव अ सिलेंडर ऑफ 5 केजी देन द कैश असिस्टेंस इज हाउ मच? ₹1150। इफ यू वांट 14.2 केजी सिलेंडर द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज 1600,
ठीक है, एंड ये जो कनेक्शन होता है दैट इज ऑलवेज अ डिपॉजिट फ्री कनेक्शन, दिस इज ऑलवेज अ डिपॉजिट फ्री कनेक्शन। अगर आप में से किसी ने कभी कनेक्शन लिया हो, मतलब ऑफकोर्स आप सब में मोस्ट के पास, मोस्टली लोगों के पास होगा, बट आप में से अगर कोई लेने गया हो तो आपको पता होना चाहिए कि डिपॉजिट देना पड़ता है फॉर हैविंग सिलेंडर, फॉर हैविंग द एलपीजी कनेक्शन। सो दिस कनेक्शन वुड बी डिपॉजिट फ्री, ऑलराइट, एंड 1600 विल बी प्रोवाइडेड एज द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हैविंग 14.2 केजी सिलेंडर, वाइल फॉर 5 केजी इट इज 1150। एंड फर्स्ट रीफिल एंड हॉट प्लेट विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द बेनिफिशरीज, एंड दीज टू थिंग्स, फर्स्ट रीफिल एंड हॉट प्लेट फ्री ऑफ कॉस्ट हैव बीन एडेड आफ्टर द उज्ज्वला योजना 2.0, दिस वॉज Not in the Ujjwala 1.0, 1.0 में नहीं था, ये जो पहला एडिशन था उसमें नहीं था, सेकेंड एडिशन में the government is also providing the first refill and also the hot plate absolutely free of cost. Now these are some basic facts about this particular scheme. This was launched in the year 2016, as you all know, Ujjwala 1.0 was launched in 2016 from Balia. Okay, you have to remember the launch place also. जो first वाला था वो launch हुआ था बलिया से, बलिया से, ओके, बलिया इज इन उत्तर प्रदेश, एंड द सेकंड एडिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ फ्रॉम महोबा, महोबा इज आल्सो इन उत्तर प्रदेश, ऑलराइट, यू हैव टू रिमेंबर दीज टू प्लेसेस, जो पहला वाला था बलिया से, दूसरा वाला महोबा से। देन इन द फर्स्ट एडिशन गाइस द टारगेट वॉज टू डिस्ट्रीब्यूट 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन, ओके, द इनिशियल टारगेट वॉज 5 करोड़ बट लेटर इट वॉज एक्सटेंडेड टू 8 करोड़, एंड दिस टारगेट वॉज अचीव्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त सेप्टेम्बर 2019 itself. Okay, I'm not remembering the exact month, but it was achieved anywhere around August or September 2019. And the 8th crore connection was given by Prime Minister himself in Aurangabad. Aurangabad में 8 करोड़वां जो सिलेंडर था, कनेक्शन था, वो प्राइम मिनिस्टर ने दिया था औरंगाबाद में, एंड दिस औरंगाबाद इज ऑफ महाराष्ट्र वाला, नॉट बिहार वाला। एंड एज यू ऑल नो इन द यूनियन बजट, दिस ईयर्स यूनियन बजट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 वाज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एलपीजी फ्री कनेक्शंस टू 1 करोड़ मोर रूरल हाउसहोल्ड, 1 करोड़ का टारगेट है इसमें, 1 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड, रूरल नहीं, 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स को, एलिजिबल हाउसहोल्ड्स को एलपीजी कनेक्शन इसमें दिए जाएंगे, ऑलराइट। And as I told you, it was launched in the month of August 2021 by Prime Minister from Mahoba, which is in Uttar Pradesh. And in Ujjwala 2.0, remember migrants, agar koi migrant ek jagah se dusri jagah jata hai, then that migrant will not have to submit the ration cards or address proof, only a self-declaration for both family and proof of address will be sufficient to have the benefit of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, okay? So I hope guys this is clear, and देखो इसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो 2.0 को लेके ही आएगा, बस इतना याद रखना जो पहला वाला था वो 2016 में लॉन्च हुआ था और उसमें जो टारगेट था वो कितना था, 8 करोड़। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू द एलिजिबल हाउसहोल्ड्स, एंड इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हेडेड बाय हरदीप सिंह पुरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, एनी अडल्ट वुमन मेंबर ऑफ द हाउसहोल्ड्स belonging to any of these criteria, and remember the connection will be provided in the name of woman only, not the male member. Applicant must have attained the 18 years of age, and there should not be any other LPG connection in that particular household. Benefits are 1600 rupees for 14.2 kg cylinder and a hot plate, and first refill will now be provided under Ujjwala 2.0, which was earlier not there. Launch year 2016 from Balia, UP, and the second edition has been launched from Mahoba, UP again. Second edition announced हुआ था budget 2021-22 में, जिसमें target है 1 करोड़ LPG connections distribute करने का. Question number 1 पे आ जाओ जल्दी से. देखो question काफी अच्छा है. Meenakshi's family has a PMUY connection at home. Meenakshi की family है, उसके पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना connection है उसके घर पे. She moved to a new city. Only she moved to a new city, not the family. Is she eligible for PMUY connection at this new location being a lone member? अब वहाँ पे वो क्या है, अकेली है, तो क्या उनको वहाँ पे कनेक्शन नया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो अभी हमने पढ़ा था कि एक हाउसहोल्ड में एक ही कनेक्शन दिया जाएगा, बट यहाँ पे देखो हाउसहोल्ड चेंज हो रहा है, वो माइग्रेट हो रही है एक जगह से दूसरे जगह पे, और वो फीमेल मेंबर है. अगर मेल होता तो ऑफकोर्स नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि वो फीमेल मेंबर है तो यस शी विल गेट द PMUY connection. सो द करेक्ट आंसर
विल बी गाइज ऑप्शन डी येस सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन. फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन मतलब द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो देखो यहाँ पे येस भी है और ये भी है. सो द मोर प्रिसाइज आंसर विल बी दिस येस सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन. सो इस तरीके का क्वेश्चन भी यू कैन एक्सपेक्ट बिकॉज ईजी क्वेश्चन तो बहुत आ चुके हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पीएम उज्ज्वला योजना. ओके, द स्कीम वॉज लॉन्च इन 2016, येस फ्रॉम बलिया यूपी. द सेकेंड एडिशन ऑफ स्कीम वॉज लॉन्च इन 2021, येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट, फ्रॉम महोबा उत्तर प्रदेश. In the first edition, the target was to distribute 8 crore LPG connections. Yes, and this was achieved in the year 2019 only. Ujjwala 2.0 was launched in August 2021 by Prime Minister from Mahoba, UP. Yes, this is also correct. And in Ujjwala 2.0, the target is to distribute 2 crore LPG connections. No, it is not 2 crores. It is 1 crore. 1 crore ka target hai. Under Ujjwala 2.0, which means the correct answer, guys, should be option E because this is the only statement which is incorrect here. And that's it for the session. I hope Pradhan Mantri Ujjwala Yojana is clear. I know ki aap mein se kafi saare logo ko already scheme aati hogi, but I have to take care of those also jinko ye nahi aati thi. Okay, so aur bahut aasan scheme hai aur isme se ek question I believe ki aayega, zarur aayega. Theek hai. Thank you so much for watching. Milte hain kal ek nayi stream ke saath. Goodbye, take care and God bless.